हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MCQ क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है हिस्ट्री के वन लाइनर्स के क्वेश्चन। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 500 वन लाइनर्स हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर अप कर रहे हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आज हम इसका पार्ट 6 करेंगे। बाकी के जो 5 पार्ट्स हैं आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फ्री PDF ई-बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अब हमारा एक ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है, उस पर भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन और कुछ क्वेश्चन करने के लिए मिल जाएंगे, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म ऑफ लॉर्ड कर्जन स्पेशली इन रिलेशन टू पीपल लिविंग इन अनडिवाइडेड पंजाब प्रोविंस। तो इसका करेक्ट आंसर है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवे पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमारे सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर हम बात करें लॉर्ड कर्जन की, तो लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1899 टू 1905। अब इनका जन्म कब हुआ था, बॉर्न 11 जनवरी 1859 और इनकी डेथ कब हुई थी, 20 मार्च 1925। और ये अपने किस काम के लिए जाने जाते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 के लिए। चलिए नेक्स्ट है, हु हैज़ पास द इंडियन यूनिवर्सिटी स्कूल एक्ट। तो इसका भी करेक्ट आंसर है लॉर्ड कर्जन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज द पायनियर ऑफ लोकल ऑटोनॉमी इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 24 अक्टूबर 1827 को, मृत्यु हुई थी 9 जुलाई 1909 को, और इनको एक नाम से और जाना जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और इन्होंने ओपन की थी दो यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी इन 1884 और एक अलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन 1887। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास ड्यूरिंग हिज टाइम इन 1878। इसके टाइम में लॉर्ड रिपन के टाइम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम विच स्टेशन वाज द रेल जर्नी स्टार्टेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1853। इसका करेक्ट आंसर है बॉम्बे, यानी कि उस समय बॉम्बे था, आज है मुंबई। चलिए इंपॉर्टेंट टेक अवे पॉइंट है इसका, स्टार्टेड बिटवीन थाने एंड बॉम्बे, और जो टोटल डिस्टेंस था वो था इसका 34 किलोमीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कितने किलोमीटर की फर्स्ट लाइन स्टार्ट हुई थी थाने और बॉम्बे के बीच। चलिए नेक्स्ट, हु वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर पिट्स इंडिया एक्ट। तो करेक्ट आंसर है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इनके बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, विच रेगुलेटरी एक्ट एस्टेब्लिश द सुप्रीम कोर्ट इन कैलकटा। तो वो हुआ था आपका रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773, और ये एस्टेब्लिश किसने किया था, सर एलाइजा इम्पी ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ कॉम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है मॉन्टी मिर्लो रिफॉर्म्स ऑफ 1909, और इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। चलिए नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ डैश प्रोवाइड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। चलिए नेक्स्ट है, द पर्सन हु इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ बाइकैमरल इन द 1990 एक्ट वॉज। करेक्ट आंसर है मॉन्टेक चेम्सफोर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन 1921 नरेंद्र मंडल और चैम्बर ऑफ प्रिंस वॉज स्टार्टेड बाय किंग एम्परर जॉर्ज फिफ्थ। चलिए नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज बेस्ड ऑन साइमन कमीशन। चलिए नेक्स्ट, इन विच ईयर लाला लाजपत राय वॉज डिपोर्टेड एंड सेंड टू मंडले फॉर ऑर्गेनाइजिंग आर्गेनियन मूवमेंट इन पंजाब। करेक्ट आंसर है इन 1907। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं लाला लाजपत राय से इंपॉर्टेंट। जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था 28 जनवरी 1865, मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 1928, और इनको दो नाम से और जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज पंजाब केसरी एंड पंजाब द शेर। अब इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड की थी, उसके भी नाम देख लेते हैं, हिंदू महासभा,
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट है, गांधी जीज मूवमेंट्स फॉर बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स वॉज एम्ड एट टू एनकरेजिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज। चलिए नेक्स्ट है, ऑन विच डेट इंडिया गॉट द स्टेटस ऑफ ज्यूरिडिक्शन। तो करेक्ट आंसर है 15 अगस्त 1947। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी वॉज अ ट्रू सपोर्टर ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869, मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को, और इनको जो एक नाम दिया गया है वो है फादर ऑफ नेशन के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब इन्होंने एक इंस्टीट्यूट भी अफ्रीकन कंट्री में सेटअप किया था, उसका नाम है फीनिक्स इंस्टीट्यूट इन अफ्रीकन कंट्री वॉज सेटअप बाय हिम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, इन हूज फेलियर स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड लेटर। वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास वर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ स्वराज पार्टी, और ये कब बनाई गई थी आपकी, फाउंडेड ऑन 1 जनवरी 1923 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हुम वाज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन टू डिस्कस। करेक्ट आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो वो थी आपकी एनी बेसेंट, और ये आपका कौन सा सेशन था, 1917 का सेशन था कोलकाता में ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब वो थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, व्हेन द माउंटबेटन प्लान ऑफ इंडिपेंडेंस वाज एक्सेप्टेड, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट दैट टाइम। तो वो थे आचार्य जे बी कृपलानी। इंपॉर्टेंट टेक अवे है, ऑल्सो नोन एज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड वॉज पुट अप बाय लॉर्ड माउंटबेटन ऑन 3rd June 1947। चलिए नेक्स्ट है, विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर लीविंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस। करेक्ट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज। उसका करेक्ट आंसर है कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस होस्टेड द फ्लैग ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी इन अ सिटी ऑन अप्रैल 12, 1944, विच स्टेट इज करंटली इन विच स्टेट। करेक्ट आंसर है मणिपुर। चलिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेलीगेट्स अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो करेक्ट आंसर है 72। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो करेक्ट आंसर है ए ओ ह्यूम। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। चलिए नेक्स्ट है, खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ह्यूमिलिएशन ऑफ द तुर्किश खलीफा। नेक्स्ट है, इन 1916 इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग केम क्लोज टू ईच अदर इन लखनऊ दिसंबर। नेक्स्ट है, वेयर एंड इन व्हाट ईयर वॉज द स्प्लिट बिटवीन द सॉफ्ट पार्टी एंड द हॉट पार्टी इन सूरत सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1907। लाला लाजपत राय वॉज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट होम वेन ही बिकेम अ विक्टिम ऑफ पुलिस ब्रूटिलिटी। करेक्ट आंसर है साइमन कमीशन। पूना एक्ट एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वो कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, होम रूल लीग वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन। मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, इन 1906। अब मुस्लिम लीग के फाउंडर्स कौन कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान, ख्वाजा सलीमुल्ला, हकीम अजमल खान, वकर उल मुल्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द नेशनलिस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन बिकॉज ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसका करेक्ट आंसर है जी की गोखले इन 1905। चलिए नेक्स्ट है, द हाई कोर्ट ऑफ कैलकटा मद्रास एंड बॉम्बे केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वायसराय। तो उसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड जॉन लॉरेंस। अब जो लॉर्ड जॉन लॉरेंस हमारे वायसराय थे इंडिया के, वो किस टाइम पीरियड में थे,
1864 टू 1869। चलिए नेक्स्ट है, हु वॉज बाल गंगाधर तिलक कॉल्ड हिज पोलिटिकल गुरु, तो इसका करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, वेन वॉज द गांधी इरविन एग्रीमेंट साइन, 5 मार्च 1931। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन विच रिकमेंडेड डीमेग्रीगेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, करेक्ट आंसर है फजल अली। गांधी जी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हूज राइटिंग्स, लियो टॉल्स्टॉय। चलिए नेक्स्ट है, हु कॉइंड द टर्म सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट है, हु वेंट टू मीट गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, करेक्ट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। वेयर डिड महात्मा गांधी गो टू रन द सत्याग्रह मूवमेंट अमंग द वर्कर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज इन 1918, करेक्ट आंसर है अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट है, फ्रॉम विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी एंटर इन टू पॉलिटिक्स, करेक्ट आंसर है चंपारण मूवमेंट। नेक्स्ट है, द ओनली AICC हेडेड बाय गांधी जी वेयर वॉज द कन्वेंशन हेल्ड, करेक्ट आंसर है बेलगाम। वेयर डिड द साल्ट सत्याग्रह एंड, करेक्ट आंसर है डांडी। इन 1939 सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी बाय डिफीटिंग पत्थाबी सीतारमैया। चलिए नेक्स्ट है, व्हाई वाज द कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया टू सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर। चलिए नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर स्टार्टिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, तो करेक्ट आंसर है फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1942 इन द मंथ ऑफ अगस्त। लास्ट क्वेश्चन है आज का, वेयर वॉज द पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो करेक्ट आंसर है बलिया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री PDF ईबुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। बाकी ब्लॉग भी हमारा एक स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस और कुछ शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, तो आप हमारे साथ वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।